सो ही गाजर कैसे हो, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। तो भाई आपका गया फिर से न्यू वीडियो साथ। तो गाजर कैसे हो, आई होप सभी लोग ऐसे अच्छे होंगे। तो भाई आज का जो वीडियो है कतई तबाही वाली होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो काफी सारे इंटरेस्टिंग इवेंट के बारे में बात करने वाले। और भाई हमारा मिस्ट्री शॉप आने वाला है, देन मिस्ट्री शॉप में कौन कौन सी चीजें आप लोग को देखने मिलने वाला है, बंडल कौन सा डाला जाएगा, साथ ही आप लोग इलेक्ट्रिक डिस्काउंट में आने वाला या नहीं, कौन से कैरेक्टर एंड गाजर रिवॉर्ड टोकन आने वाले या नहीं, इसके बारे में आप लोग को डिटेल्स में वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। साथ ही गाजर वीडियो के अंदर बात करने वाले आने वाले हमारे कुछ अपकमिंग बंडल के बारे में। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए बोटिंग जल्दी हमारे इंडियन सर्वर के अंदर स्टार्ट होने वाला है, जो इलेक्ट्रिक शॉक का बंडल है, ऑटो गोल बंडल, साथ ही जो टॉप गेमर के बंडल का इंडियन सर्वर के अंदर भी बोटिंग जल्दी आप लोग को स्टार्ट देखने मिलने वाला है, जिसमें आप सबको इन तीनों बंडल में से एक बंडल रिटर्न में डाला जाएगा। बाकी की स्टोरेज वीडियो में जाने वाले हैं, तो आज जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारे इवेंट आज के वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। इंक्यूबेटेड गन स्किन जो आने वाला हमारा M187 का, जिसके भी इवेंट के बारे में आप लोग को काफी सारी चीजें बताने। चलो फिर वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर जो न्यू आ रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका भाई पर डे आपके लिए ऐसे फिर पार्ट जरूर लाता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फाइनली गाइस वेलकम बैक अगेन। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं टू नाइट अपडेट के बारे में। तो भाई आज रात 12 बजे के बाद आप सबको पहले से पता है टू नाइट अपडेट में आप सबको मिस्ट्री शॉप आने वाला हमारी गेम के अंदर। मिस्ट्री शॉप के साथ साथ आप सबको गेम के अंदर एक न्यू गन स्किन भी देखने को मिलने वाला है। देखो ये जो ग्रोजा का गन स्किन है काफी पहले 20 तारीख को ही हमारे गेम के अंदर आने वाला था, देन इसका जो इवेंट है गिरना कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया है। तो हो सकता है की कल के डेट में क्रिसमस स्पेशल होने वाले सारे इवेंट, जिसके कारण आप सबको ग्रोजा का गन स्किन हमारे गेम के रिटर्न में देखने को मिल सकता है। गन स्किन का जो एनिमेशन लिटरली काफी ऑसम है, देन यहाँ पे गन स्किन कल के डेट में आ सकता है हमारे गेम के अंदर फेडरल के अंदर। लेकिन भाई इवेंट जो है अब तक कंफर्म नहीं हुआ है, मैं आप लोग को एटलीस्ट प्रेडिक्टर के बता रहा हूँ, शायद से कल के डेट में डाल दिया जाए, क्योंकि 2 से 3 दिनों के अंदर इसका इवेंट हमारे गेम के अंदर कंफर्म आने वाला है। तो चलो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आने वाला जो हमारे मिस्ट्री शॉप है जिसके बारे में। तो गाइस देखो मिस्ट्री शॉप जो आने वाला है, जिसमें आप सभी को काफी तक क्वेश्चन आ रहा था कि क्या इलाइट पास डिस्काउंट में डाला जाएगा या हाँ इसके अंदर आप लोग इलाइट पास डिस्काउंट में देखने मिलने वाला। देखो जनवरी के मंथ में भी आप लोग को मिस्ट्री शॉप डाला जाएगा, अपडेट ये भी कंफर्म हो चुका है, जनवरी के मंथ में भी आप सबको मिस्ट्री शॉप आने वाला हमारे गेम के अंदर। देन उसके अंदर कौन कौन से बंडल आने वाला, मिस्ट्री शॉप कैसा होने वाला है, जिसके बारे में भी आप लोग को आगे वीडियो में मैं भी दिखाने वाला हूँ। उससे पहले गाइस बात कर लेते हैं जो आने वाला कल के डेट में मिस्ट्री शॉप जिसके बारे में। तो भाई आप सभी का काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि भाई इसके अंदर क्रोवर M40N का ड्रैगो के टोकन देखने को मिलने वाला या नहीं। तो गाइस इसके बारे में आप सबको सेकंड चैनल पे मॉर्निंग के टाइम पे आज मैंने वीडियो दिया था, जिसमें ही काफी सारी चीजें बताया था। देखो ड्रैगो के टोकन का सीन क्या है, आप सभी को पता है ड्रैगो के टोकन काफी दिनों से गिफ्ट स्टोर के अंदर अवेलेबल नहीं है, नो डाउट इसके अंदर आप लोग को ड्रैगो के टोकन आने के 90% चांसेस है। एंड आप में से काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई ड्रैगो के टोकन गिफ्ट स्टोर में कब रिटर्न में डाला जाएगा। तो देखो ऐसा कुछ अपडेट आ रहा है कि आप सबको वैलेंटाइन का जब इवेंट स्टार्ट होने वाला हमारे गेम के अंदर, उस टाइम पे गाइस हमारा ड्रैगो के टोकन आप सबको गिफ्ट स्टोर में डाला जा सकता है। देखो अभी तो कुछ भी कंफर्म अपडेट नहीं है, एंड गाइस रिटर्न में नहीं डाले जाने का कारण ये भी है कि देखो आप सबको जल्दी ही विंटरलैंड इवेंट से रिलेटेड आप सबको 50% ऑफ देखने मिल सकता है हमारे गिफ्ट स्टोर के अंदर। पिछले 1 से 2 दिनों के अंदर ही आप सबको वेपन पे 50% ऑफ देखने मिला है, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप सबको गिफ्ट स्टोर में भी 50% ऑफ देखने मिल सकता है। गाइस गिरना काफी पहले से ही सारे चीज को प्लान करके रखा हुआ है, गिफ्ट स्टोर के अंदर आप सबको ड्रैगो के टोकन वैलेंटाइन इवेंट जब स्टार्ट होने वाला हमारे गेम अंदर उस टाइम तक डाला जाएगा। फिर से बैक आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो भाई यहाँ पे ड्रैगो का टोकन आपसे को मिस्ट्री शॉप के अंदर देखने मिल सकता है, लेकिन जो हमारा कोबरा MP40 का टोकन है उसे आने के काफी ज्यादा कम चांसेस है। OV31 के कुछ इमोट भी देखने मिलने वाला है, साथ ही आप लोग को क्रोनो डीजेलो की सारी चीजें देखने मिलने वाला है हमारे कल के मिस्ट्री शॉप के अंदर। आपसे फाइनली गाइस मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि गाइस होप आपसे को वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, साथ ही गाइस अगर आप चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अपडेट आपका भाई पर डे आपके लिए लाता रहता है। अब गाइस 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला विंटरलैंड इवेंट का सेकंड पिक जो है, जिसमें आप सबको मैजिक के फ्रेम्स मिलने वाले हैं। एंड आप सभी का काफी ज्यादा क्वेश्चन आ था कि मैजिक स्टोर में कौन कौन से बंडल डाले जाएंगे। तो देखो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था, तो भाई ऑलरेडी मैंने आप सबको बताया था कि जितने सारे डायमंड वॉल के ओल्ड वाले बंडल है उसे ही इस वाले ओवी अपडेट में आप सबको मैजिक स्टोर में डाला जाएगा। एंड अगर आप सबको अगर याद होगा तो जिस टाइम हमारा 4th एनिवर्सरी का इवेंट आया था गेम के अंदर, आप सबको एक स्पेशल गोल्ड वॉल इवेंट हमारे गेम के अंदर डाला गया था, एंड जिसके लिए हमारे इंडियन सर्वर के अंदर बोटिंग स्टार्ट किए थे, जिसमें आप लोगों को सिलेक्ट करने रहते थे कौन से गोल्ड वॉल का बंडल हमारे गेम के अंदर डाला जाएगा। एंड ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि आप सभी को स्पेशल गोल्ड वॉल इवेंट देखने मिला था हमारे गेम के अंदर, एंड बाहर के सारे सर्वर में गोल्ड वॉल के अंदर ब्रेक डांसर बंडल डाले गए थे, लेकिन पता ही है हमारे इंडियन सर्वर के अंदर जो ब्रेक डांसर के बंडल है गिरना सिर्फ दिवाली 20 इवेंट के लिए बचा कर रखता है। जब भी दिवाली 20 इवेंट हमारे गेम के अंदर डाला जाता है तो आप सबको ब्रेक डांसर बंडल रिटर्न में देखने मिलता है। इसलिए ही आप सबको गोल्ड वॉल के अंदर हमारे इंडियन सर्वर में ब्रेक डांसर बंडल नहीं डाला गया था 4th एनिवर्सरी के टाइम पे। एंड गाइस उस तरह से ही फिर से एक बोटिंग स्टार्ट होने वाला है, देख लो बाहर के कुछ सर्वर में बोटिंग स्टार्ट हो चुके हैं। बैनर में गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 बंडल को डाला गया है, तीनों में
से आपसे कोई एक बिल्डर सिलेक्ट करने पहला गैजेट हमारा आर्टिकल बंडल है जो कुछ टाइम पहले ही हमारे गेम रिटर्न में डाला गया था। इनक्यूबेटर वाले सेक्शन में तो भाई पे ऑलरेडी काफी सारे बंदी के पास ये जो बंडल आ गया होगा। अभी गैजेट पे बात आ गई दो बंडल के बारे में, पहला हमारा इलेक्ट्रिक शॉक का बंडल है, दूसरा भाई यहाँ पे देख सकते हो टॉप गेमर का बंडल। मैं तो गैजेट यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक का बंडल सिलेक्ट करने वाला हूँ। आप लोग कौन से बंडल को सिलेक्ट करने वाले मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। एंड आई नो मुझे पता है ज्यादा जो लोग हैं इलेक्ट्रिक शॉक का बंडल को सिलेक्ट करने वाले, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है हमारे इंडियन सर्वर के अंदर आप लोग इलेक्ट्रिक शॉक बंडल रिटर्न में नहीं देखने मिला है। मतलब यार जब वोटिंग स्टार्ट होने वाला है तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक शॉक का बंडल ही हमारे गेम के रिटर्न में डाला जाएगा। देखो वोटिंग कब से स्टार्ट होने वाला है जिसके बारे में तब तक कुछ भी आइडिया नहीं है मेरे को। एटलीस्ट देखो जनवरी तक आप लोग को वोटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपसे को तीनों बंडल में से कौन से बंडल सिलेक्ट करने वाले मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। एंड हाँ, जिन सभी का मन में डाउट है कि ये जो है हमारे मैजिक सेक्शन में डालने वाला है गिरना, तो भाई मैं आप लोग को बता दूं ये सारे जो बंडल आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इन सारे बंडल में से किसी भी बंडल को गिरना हमारे गेम के अंदर अगर लाता है रिटर्न में तो उसके लिए आप लोग को डायमंड पे करने पड़ेंगे। आप लोग आज ऐसा मत सोचिएगा कि ये सारे बंडल आप लोग को मैजिक स्टोर में डाल दिए जाए। अब लेट्स सी कुछ अपडेट निकल कर आते हैं इस वाले इवेंट को लेकर, तो मैं आप लोग को जरूर से अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और भी आने वाले अपडेट के बारे में। तो गजर देखो गिरना जो है हमारे इंडियन सर्वर को लूटने का कोई भी चांसेस नहीं छोड़ता है। बस गजर एक टाइम ही ऐसा हुआ कि आप लोगों ने काफी सारे डायमंड गिरना से लूटे हो। एंड मैं इस बात को इसलिए आपसे को बता रहा हूँ क्योंकि देखो ये जो बंडल है मैं आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये बंडल काफी टाइम पहले आपसे को जो फ्री फायर मैक्स लॉन्च हुआ था उस टाइम गजर जितने सारे लोग टॉप 50 या गजर 100 में आए थे, मतलब रैंक के थ्रू जितने सारे लोगों को अपने रिफेयर से रजिस्टर्ड कराए थे उन सभी को ये बंडल बिल्कुल फ्री में दिया गया था। एंड गजर इसलिए इस बंडल को काफी रेयर बताया जा रहा था क्योंकि भाई यहाँ पे जितने सारे लोग ने अपने लिंक से फ्री फायर मैक्स को रजिस्ट्रेशन करवाया था उनमें से गजर टॉप 50 बंदों को ये जो है दिया गया था। लेकिन यहाँ पे देख लो गिरना जो इसे हमारे इंडियन सर्वर के रिजल्ट में लाने वाला है। गजर इस बंडल के लिए आपसे वो 9 जनवरी को एक न्यू फेडरल बिल हमारे किंग में तो देखने को मिलने वाला है। एटलीस्ट 9 से 10 जनवरी भी हो सकता है, लेकिन ये जो बंडल है आपसे को जल्द ही हमारे इंडियन सर्वर के अंदर फेडरल बिल में डाला जाएगा। एंड भाई यार बंडल इतना ज्यादा रेयर, इसका जो हेयर स्टाइल है हमारा ब्रेक डांसर बंडल जैसा लगता है देखने में, इसलिए गिरना गजर यहाँ पे देखते तो सारे बंडल के पार्ट को अलग अलग करके इस वाले फेडरल बिल में डाला है। मतलब यार हर स्पिन में आप लोग को अलग अलग बंडल के पार्ट मिलने वाले हैं। अगर बंडल अगर आप लोगों को पूरा चाहिए तो आपसे को पूरे स्पिन यहाँ पे कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसलिए अगर आपसे को बताता हूँ कि यार टॉप अप वगैरह ज्यादा आप लोग मत कीजिए क्योंकि देखो कोई भी आइटम अब हमारे गेम के अंदर रेयर नहीं रहने वाला है। आप सभी लोग काफी ज्यादा पूछ रहे थे कि भाई क्रिमिनल बंडल रिटर्न में कब डाला जाएगा, तो भाई देखो क्रिमिनल बंडल जो आपसे को जल्द ही हमारे गेम के अंदर रिटर्न में डाला जाएगा। सबसे पहला जो हमारे रिटर्न में आने वाला बंडल है वो अगर हमारे गेम के अंदर क्रिमिनल बंडल ही स्टार्ट होने वाला है, तो यार देखो एक एक करके सारे बंडल हमारे गेम के अंदर रिटर्न में आने वाले हैं। फाइनली गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते जो हमारा न्यू M187 के इंक्यूबेटेड गन्स के आने वाला जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में सारे डिटेल्स बता दिए हैं, सिर्फ यहाँ पे बात करने वाला इसके इवेंट के बारे में। तो यार देखो इसका जो इवेंट है आपसे को देखने मिलने वाला जनवरी के स्टार्टिंग वीक में। एंड गाइस कुछ डाटा मिनर से अपडेट आ रहा है कि आपसे को 8 जनवरी को हमारे गेम के अंदर इसका इवेंट देखने मिलने वाला है। एंड गाइस 8 जनवरी का जो डेट है देखो लीक से रिकॉर्डिंग निकल कर आ रहा है, जिसके चलते आप लोग ज्यादा कन्फर्म इसे मत लीजिएगा, 50-50 के चांसेस है। तो भाई देखो इसके लेकर कन्फर्म अपडेट निकल कर नहीं आया है गिरना की तरफ से, बाकी जितने सारे डाटा मिनर वो तो बता रहे हैं कि भाई 8 जनवरी को इसका इवेंट आने वाला हमारे गेम के अंदर। एंड अगर गिरना की तरफ से कुछ अपडेट निकल कर आता है इसके बारे में तो मैं आप लोग को जरूर से अपडेट कर दूंगा। बाकी जो यहाँ पे डेट निकल कर आ रहा है लीक से रिकॉर्डिंग में आप लोग को बता दिया है। एंड गाइस शायद से आ भी सकता है, अगर कुछ अपडेट और भी निकल कर आता है इसके बारे में तो मैं आप लोग को 1 से 2 दिनों के अंदर जरूर से वीडियो में कंफर्म कर दूंगा। आई होप गाइस आज का जो वीडियो आपसे को पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। देन चैनल पे न्यू आ रहा है तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि भाई वीडियो तो काफी सारे लोग देख रहे हो, चैनल को काफी कम लोग सब्सक्राइब करते हो, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो बाय गाइस, सभी को गुड नाइट एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।